आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित भारतर महान ग्रंथ आउ काव्य गुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। चारिपट घेरी रखिंट जदि विभीषण दृष्टि पड़ी सब कथा जना पड़ी तुम सबकि धरा पड़ जा सुख आ सारण मायारे बानर सैनिक रूप धारण कले भी विभीषण आखिर तुम रक्षा नाई एवं तुम लुचका खेल शेष हो जाए निजर प्रकृत रूप को आस बांधि पकाए दी जन को किए मने सुख अवसारण लंका नरेश रावण विशेष गुप्तचर ए दुई लंकावासी को बंधन मुक्त कर दियो गुप्तचर को छाड़ी दबा रण रे पराजयर कारण हो पारे भाई लक्ष्मण जय आउ पराजय जदि गुप्तचर बंचवा मरवा उपर निर्भर करे, तेबे योद्धार वीरत्व आउ रणकौशल व्यर्थ अटे आपण उदार शत्रु मु आज जाए देखनी प्रभु एथिपाई जे मु कौन से प्राणीर शत्रु ही नुहे जदि तुम्हें सब रहस्य जाणी सारिलणी तेबे लंका को जाई प्रसन्नता पूर्वक तुम राजा को आम बलाबल विषय संपूर्ण परिचित कर दि जे केवल सेना गणति आउ केवल सेनापति मान बलर परिचय पाईगले युद्धर निर्णय किंबा शत्रु विजय प्राप्त हुए धर्म नीति आउ सत्य ही प्रकृत शक्ति होता जय सर्वदा सत्यर होता नहले प्रत्येक शक्तिशाली आतताई अमर हुंता यथाज्ञा दयानिधि अयोध्यानाथ एवं जीवा को अनुमति दिंतु जाओ आओ जाई लंकेश्वर को आम शक्ति आओ आम सेनार समस्त रहस्य कही दि ए आह्वान भी शुणी दियो जे जो बलर साहस तुम देवी सीता हरण करिछ से ही बल एवं निज सेना आ समस्त शक्ति सहित रणभूमि देखाओ एथसहित राजा रावण को तपस्वी राम डाकरा भी शुणी दब जे राम केवल निजर पत्नी लड़ुने अखिल विश्वर नारी सम्मान सुरक्षार आदर्श स्थापन करने एक धर्म युद्ध करमती भविष्य एमती कुश्चित चेष्टा आमती दुराचार कौन सी शक्तिशाली राजा करज लगुन तुमको क पुरुष भाई एक कथा कहबकूजे विभीषण बध करने को चाहूला
आउ कृपा सिंधु रघुनाथ आमको क्षमा करदे बहु चतुर गुप्तचर भाव में ताक रहस्य जानवाक जाजर दुर्बलता देख फेरी आसल या भल ही था जीवन को सी बाजी लगे था कपुरुष कोटिकार आमको कपुरुष भावतुन महाराज शत्रु गुप्तचर को आज जाए कही जीवित फेर को देना ये तो से कृपा सिंधु क्षमा मूर्ति श्रीराम उदारता श्री कहनी तक सुख तुम्हें जान शत्रु मान प्रशंसा शुणवार अभ्यास ना मोर जो प्रकार तुम्हें शत्रु मान गुणगान करुच से तुम विश्वसनीयता प्रति मोर सन्देह उपजुची तमें आ विभीषण भाई राजद्रोही चाहून तो क्षमा महाबली क्षमा दिग्विजयी मो ऊपर एमती लाछना लगातुनि मो राजभक्ति सन्देह करूनि मोपाई लंकार माटी सम्मुखरे स्वर्गर राज्य भी किछि नुह आपण आदेश मु एबे मो मुंड काट करने को प्रस्तुत अछि महाराज जहाँ किछि देखिली जहाँ किछि शुणिली ताकु कहिबा मोर धर्म ठीक अछि क्षमा देली कह से शत्रुपक्षर जहाँ खबर नहीं आसीच क्यों बानर सेनापति शक्तिर परिचय मिली से विषय कह आओ मायाुद्ध करिबारे आम सांगे लड़ा योद्धा के माने अछंती तांकर विवरणी दियो कहा कथा कह कौ विषय बा कह सेठारे साधारण ठू भी साधारण सैनिक आउ भल्लुक सैनिक ठारे गोटे अद्भुत साहस रही महाराज हनुमान शक्ति को तो आप देख सारी सेठिकार साधारण सैनिक ठारे एभली अद्भुत साहस देखि मु आश्चर्य प्रलाप बंद कर त्रिकुट शिखर रु मु स्वयं अवलोकन करी तमें से परिचय दब मत निश्चय त्रिलोक विजयी तेब आप शत्रु दलबल आहसर अनुमान लगे पारे चल एही होची लंका नगरी कर्मा निर्मित कुबेर द्वारा सुसज्जित सुवर्ण खचित लंकापुरी ये तो जमी अलकापुरी को भी टपि जा भाई एत सुंदर है लंकापुरी विभीषण कुलद्रोही मु मुह भी देखा चाहूनी आगे किए अच्छा किस्किा नरेश सूर्यपुत्र सुग्रीव तांगे लक्ष्मण आए श्रीराम राम से पृथुकाय लोकटी किए स्वयं लंकापति रावण रावण तेबे ये माता सीता को चोरी करी नहीं थिला नराधम यार पृथ्वी ऊपर रहिबार कौनसी अधिकार नहीं मु एबे ताको जमपुरी रे पहुंचे दौची Yeah.
सुग्रीव मित्र ये को भले मूर्खामी ये को भले पिलाली आमी प्रभु से नर पिशाच नराधम को देखी मु मो बस भीतर रही पारे प्रभु साहसर साकार मूर्ति वीरवर तुमर ये असाधारण साहस आम समस्त को चकित कर महाबली आउ केबे भी एमती दुस्साहस करी निज प्राण को संकट रे पकेइबनी मु मो मनर अवस्था केमिति वर्णना करी प्रभु माता सीता को हरण करितवा से आतताई पापी को देखी मो सिरा प्रसिरा रे बिजुली खेली गला मु निज भीतर रही पारलिनी मु पागल हो गेली प्रभु मित्र तमे आम समस्त राजा तमे पराजित हो गले आमे समस्त पराजित हो जिवु आउ धर्म युद्ध रे अधर्मर विजय हो पारिबनी तमे कौनसी पदक्षेप विचार न करी बिना परामर्श रे उठेबा उचित हबनी प्रभु आउ एमिति केबे भूल हबनी प्रभु कौन कहिलु सुग्रीव तांक ना आकाशमार्गरु उल्का परे कूदी पड़िले आम महाराज को ऊपर को हे प्रभु कौन सब विलक्षण घटी जाउची ठीक एमती से दिन अदृश्य दिगरु गोटे तीर आसी मो कर्ण कुंडल खसई देला महाराज को मुकुट धूलि धूसरित तो होगला आपर से तीर केजाणी कौटि विलीन होगला आमे गर्व करुचु जे माया शक्ति आमठू के बलिजीवेनि कह ए समस्त घटना को कथार लक्षण हे प्रभु मु कौन बा करी केमिति कुबुद्धि को बदल सत्मार्ग को आने कि उपाय करी शांत हुंतु महाराणी आपण बहुत व्यस्त होउचंती बड़ बड़ दिगपाल भी आपण पति किछि भी करि परिबेनी तू जणे नारी हे आउ जणे नारी हृदय कथा बुझी पारुनु खराब ही खराब तो हेउची सुधार कोठी एक निवेदन करिबि आपण पिता दानव राज महाराज लंकार पुनरुद्धार करिबा पई आसीचंती तांको कहंतु महाराज को हित अहितर कथा बुझेइबे माय महाराज ससुर तांकर आदर करती हनुमान समग्र लंका जलई दे जाइथिला तार पुनर्निर्माण एत शीघ्र रे आपनको पिताश्रीत करिचंती आम महाराज तांक कथा निश्चय सुनिबे तो स्वामी ए कार्य नुआ करी करूनी मा या तो हम दानव समाज रो पुरणा परंपरा जे जाहर जेते अधिक रानी हेबे से सेते वैभवशाली आ बलवान रे गणा हबे यहा तो प्रतिष्ठार प्रतीक पिता लंकेश्वर महल रे जेते भी रानी रुहंतु मोर तांक संगे कौनसी शत्रुता नहीं तेबे कौन सीता संगे ना सीता संगे भी नुहे जदि सीता लंकेश्वर को निज इच्छा रे स्वीकार करिनिए तेबे निजर भौणी भली ताको मो भल पाइबि जदि से मो स्वामी को सुख देई परे तेबे मो ता पे मो प्राण भी उत्सर्ग करबे पे प्रस्तुत अछि ताले ताले संताप काहि कि पिता सीता काल फास रूप रे आसीछि से मो सौतुणी दुह मो स्वामी को मृत्यु रूप रे आसीछि हां पिता आपण को झियर वैधव्य होउछि सीता जदि आपण निज झिअर ललाटे सौभाग्य सिंदूर बजाय रखा चाहता तेज निज जामता मनर सीतार मोह पोछी दिंतु ये भय ये आशंका ये चिंता
कौ कारण तो मन में बसा बांधि रे मा जे दिन सीता हरण कर गोटे भी दिन शांति अच्छी कौन सब अनर्थ अमंगल हो जाऊ विनाशर बाली छड़ उठुची गोटे उद्गीरण समग्र लंका को ग्रासिबा दिन प्रतिदिन आग को बढ़ी चली जहाँ को आम साधारण बनवासी प्रवासी भाव तुच्छ मन करू से सृष्टि सबुठ असंभव कार्य करदे समुद्र को बांधवापी कौन के कल्पना भी करता जड़े पानर द्वारा भस्मीभूत ध्वंसावशेष लंका को पुनरुद्धार तो आप करदे किंतु मो स्वामी शरीर को नूतन प्राणदान दे पारे आपता तो मनर विचलित अवस्था मत संपूर्ण चिंतित कर मु चेष्टा करी तो स्वामी को सत्मार्ग को आने बुझे एवं युद्ध अनिवार्य लंकार मंत्रीगण सेनार पदाधिकारी नायकगण युवराज इंद्रजित सेनापति प्रहस्त आपण समस्त को आदेश दे आर्यावर्त आसी ए दुराचारी दुस्साहसी मानव किसी भल्लुक बाणर को सांगरे धरी लंका आक्रमण करिवार दुस्वप्न देखुची एबे युद्ध तो अनिवार्य लंकेश्वर युद्ध को आम लंकार द्वारा जाए आनिबार दायित्व केवल कौन से मानव दुहिंकर आम कौन एक विचार करिपरिबानी जे जदि सीता फेरई देवारे युद्ध को रोक जापे तेब कहीं फेरई दिन जहाँ युद्धर प्रकृत कारण आमे से कारण उपर भी विचार करिबा आवश्यक महाराज कारण उपर नुहे केवल निवारण उपर विचार करा जाई पारे एमिति निज माटी उपर को आसीथिबा दुस्साहसी तुच्छ नरवानरकर संगठित शक्ति को आमर सीमा लंघिबार शास्ति दे पुणी सागर सेपट को फोपाड़ी दिया जिवो केवल सही कथार योजना करिबा को हबो बस लंकेश्वरंकर समालोचना अपराध बोली धरा जिवो मूल विषय घुंची जाई आउ कौनसी विषय आलोचना न करा जाऊ आमे बेकार रे तर्क वितर्क रे समय नष्ट करूथिबा आउ से मसा सागर उपरे उड़ी आसी आम मुंड उपरे बसी गले आमे एमिति नीति प्रणयन करिबा दरकार जेउतिरे से विषधर सर्पंकर फणा एइठे दळी देई हबो तू सेनाध्यक्ष पदवीर अनुकूलकता कहिछु आमे सावधान रहिबा उचित किंतु प्रथमे प्रहार भी करिबा उचित नुहे क्षमा महाराज एई नीतिर मु सर्वदा विरोध करी आसुचे एई नीतिर परिणाम रे शेषरे से असरपा गुडांकर पर बाहरी गला पर बाहरी बाही असरपांकर प्राण जीवार संकेत महाराज असरपांकु मारिबाकु आज्ञा प्रदान करंतु तार भी समय आसुचे किंतु एबे आमे आम व्यूह रचना अनुसार प्राचीर भितरे रहिबा उचित जेमिति अभिमंत्रित कवच मध्य शरीर सुरक्षित रही थाए कौन अस्त्रशस्त्र प्रभाव तापर हुए ना आम भी आम विराट विशाल दुर्भेद्य दुर्ग भितर सुरक्षित किंतु सावधानता सह सैन्य मानू संचालन करी सतर्कता सहित तांकर गतिविधि को तीक्ष्ण दृष्टि से परखी नवा उचित किंतु से माने तो चुप ही रहिबेनी से आक्रमण करी लंकार दर भांगी भीतर को आसीबा को चेष्टा करिबे चेष्टा तो करिबे किंतु सफल हेबे नाही कारण लंकार प्राचीर पार करी देवता माने भी भीतर को प्रवेश करि परिबेनी हां हमर दुर्भेद्य प्राचीर रे मुंड पिटी पिटी धीरे धीरे निश्चित थकी जिवे ताहा ही उचित समय हबो गोटाय थकी जाइतिबा शत्रु उपरे आक्रमण करिबा सेते बेले तांको परास्त करिबा हम पई सहज हबो महाराज मो दूतंक समाचार जे सेमाने अद्भुत गरुड़ विहर रचना करिछंती जहाँ के अभेद्य सुख तू तंक द्वारा प्रभावित हो आसीचु अरे भेद करिबार प्रश्न कोठी उठुची
गरुड व्यूह रचंतु बा सकट अथवा चक्र व्यूह साथी रे मोर्चा बंदी करंतु आमर योजना तो सेमानक द्वारा निर्मित व्यूह रे नष्ट कर देबा उचित व्यूह रचना करी मध्य जो विषम परिस्थिति रे पड़ी जाय छंती ता अनुमान करू न काई की पछरे रहिला समुद्र सम्मुखरे लंका दुर्गर अविद्य प्राचीर ता मध्यरे सुखिला रण प्रदेश खाद्य बिना तांको सेना केते बळ जा लढी परिबे। हां महाराजंकर चिंता बहुत गभीर शत्रु रिजर शक्ति नष्ट करी निजर व्यूहरे छटपट ही प्राण त्याग करिवो तथापि भी शत्रु शत्रु अटे समस्त प्रकार स्थिति को सामना करिबा पई सतर्क रहिबा दरकार सेदि पई हमर निजस्व सुरक्षा आउ समरंगन को जीवार स्थिति उपजिले सेतिरु पार पाइबार संपूर्ण योजना हम एबिठु तयारी करनबा उचित। मंगल भवन तारा